Okay, so tell me something about yourself. Yes, my name is Shiva. I stay in Mumbai. I have completed my graduation from St. Rock's College. In my family, there are 5 members, including me. साला रट्टा मार के आया है. कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे इसकी असलियत सामने आ जाए. Okay, tell me, what you will do if you became PM for one day? ये क्या पूछ लिया इसने? राजू को तो मुंबई के बारे में पूछा था. मेरे टाइम पे इसने PM के बारे में पूछ लिया. साला वो पूछा तो पूछा आउट ऑफ सिलेबस वो भी. क्या करूँ क्या करूँ? सर PM for one day I will reduce corruption. निकल साला रट्टा मार के आते कहां कहां से. हट कर रहा है. Run. I'm sorry to say this, but फिलहाल हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं है. सर ऐसा मत बोलो सर. प्लीज सर ऐसा मत बोलो सर. सर मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया सर. रात दिन मेहनत करके पढ़ाया सर. मैं ग्रेजुएट हूँ सर. 10 साल से अनएम्प्लॉयड हूँ. प्लीज मुझे ले लो. कोई भी काम चलेगा सर. जो भी जॉब हो जो भी वैकेंसी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ सर. प्लीज प्लीज मुझे ले लो सर. प्लीज हायर कर लो. वैसे एक जॉब है, करोगे? हाँ सर. सर चाय. शाबाश यार, क्या चाय बनाई है. ऐसी चाय बनाते रहे एक दिन PM बन जाएगा. हेलो. हेलो शिवा, कल के लिए आपका इंटरव्यू सेट हो गया. अच्छा कल है क्या? हाँ कल है. ठीक है ठीक है. प्रॉपर फॉर्मल पहन के आना. सर ये फॉर्मल्स पहनना जरूरी है क्या सर? फॉर्मल्स कंपलसरी है. फॉर्मल्स? बचपन से लेके अभी तक तो टी शर्ट ही पहनते आया हूँ. एक भी फॉर्मल कपड़ा नहीं है मेरे पास. जो भी है वो पापा का है, लेकिन वो काफी लूज होगा. क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे. क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. मैं कम इन सर. कम इन. ये फाइल हटा. अरे सर इंदना सर. हटा फाइल. अरे ए निकल निकल. कहां से आ जाते? शर्ट पहनने फॉर्मल्स पहनने नहीं आता इनको. ओके रोहित, सो वेयर टू सी योरसेल्फ इन दिस कंपनी आफ्टर 5 years? 5 years? मैं सिर्फ 2 महीने के लिए आऊँ यहाँ पे. वो भी कॉलेज की छुट्टी थी इसके लिए. अपनी पॉकेट मनी निकालूंगा और निकल लूंगा. बट फिर भी इसको बोलूंगा. After 5 years, I see myself as a manager in this company. I'll be handling various departments under me. इसको लग रहा है ये फेंक रहा और मैं लपेट रहा हूँ. अरे 10 साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा. What is your expectation about salary? सैलरी एक्सपेक्टेशन? वैसे तो मेरी सैलरी की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई लाखों में, इनकी औकात नहीं देने की. बट फिर भी मैं इनको बोलूंगा. As per company norms. Congratulations, you have been selected in this company. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Hi, sir. Busy हो क्या? Upstox पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ. सर ये Upstox क्या है? Upstox ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सही एप्लीकेशन है. इसमें खुद रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है. 1 मिलियन से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करके खूब पैसे कमा रहे हैं. अभी तो इसमें एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक खोल के अपना फ्री में डिमेट अकाउंट खोल सकता है. तेरे को बस अपना पैन कार्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए. 5 से 7 मिनट में तेरा अकाउंट बन जाएगा. इसमें बहुत सारे ऑप्शन है. अगर तू ट्रेडिंग में न्यू है ना, तो तेरे को 28,000 रुपए तक की एडवाइसरी सर्विसेज फ्री मिलती है, जिससे तू बहुत सारे पैसे कमा सकता है. जब शेयर डाउन हो जाए तो खरीद, और जब प्रॉफिट में आ जाए तो बेच दे. जल्दी लोग ऐसे ऑप्शन के साथ आ रहे जहां पे हम लोग इंडिया के बाहर की कंपनीज के भी शेयर खरीद सकते हैं. और ये ऐप हिंदी में भी है, तो जल्दी जा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्टर कर. बेटा पता प्रॉब्लम क्या है? तू सिर्फ 10वीं पास है. मैं ना तेरे को सिर्फ 5,000 दे सकता हूं. सिर्फ 5,000? एक काम कर, 12th कर क्या, तब ज्यादा मिलेंगे. ओके सर. सर 12th पास हो गया सर. क्या ये सिर्फ 12th करके आया तू? इसकी क्या सैलरी दूं मैं तेरे को? हां एक काम कर, ग्रेजुएशन कर क्या, उसके ज्यादा मिलेंगे. सर अभी तो ग्रेजुएशन भी हो गया मेरा. बेटा सिर्फ ग्रेजुएशन बेटा, इसके क्या दूं मैं तेरे को सैलरी? एक काम कर, MBA कर क्या, उसके ज्यादा मिलेंगे.
इंटरव्यू के लिए? हाँ सर, इंटरव्यू के लिए। शो मी योर रिज्यूमे। रिज्यूमे तो नहीं लाया मैंने। रिज्यूमे नहीं लाया? सर बेसिकली पहले दिन मैं ऑफिस चेक करने आता हूँ, ऑफिस के ना 10-10 चक्कर लगाता हूँ, मेरे को जमेगा क्या नहीं, सुटेबल है क्या नहीं मेरे लिए सर, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता हूँ सर, यू नो आई एम ग्रेजुएट, मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, लॉन्ग टर्म विजन सर, समझ रहे हो सर। आपको एक बात बताना चाहूंगा, मुझे काफी सही लगा यहाँ पे, कल रिज्यूमे लेके आता हूँ, ठीक है? चलो ओके सुशील, इट वॉज अ वेरी नाइस इंटरव्यू, वेट फॉर कॉल, वी विल कॉल यू। ओके सर। अरे नॉट नाउ, विल कॉल यू लेटर। सॉरी सर, सॉरी। बेटा खाना खा ले, कितना टाइम हुआ खाना नहीं खाया तूने? नहीं माँ, उन्होंने बोला विल कॉल यू लेटर, कभी भी कॉल आ सकता है, बाद में खाऊंगा। 2000 years later. बेटा नहीं आएगा कॉल, अभी तो खाना खा ले तू। नहीं माँ, उन्होंने बोला विल कॉल यू लेटर, कॉल आता ही होगा, आएगा, कॉल आएगा, जरूर आएगा। Hey guys, thanks for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना है कौन सा कैरेक्टर है, फिर कौन सा पार्ट इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। इस वीडियो को शेयर करो हर किसी के साथ, पूरे दुनिया में फैला दो। अगर आपको रिलेटेबल लगे तो अभी के अभी शेयर करो, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ अपस्टॉक पे रजिस्टर करो, फ्री में डीमैट अकाउंट मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या बेनिफिट हो सकता है, जल्दी जाओ रजिस्टर करो। और गाइस आपको हमारा टारगेट तो पता ही है, पता है यार सबको पता है, 5 लाख तो कर दो यार सब्सक्राइब, 5 लाख कर दो, साल के अंत तक का टारगेट है, पूरा करना है। एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग शेटी ब्रोस का, गाइस जिन्होंने भी ज्वाइन किया थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट टू अस। और जिनको नहीं पता, हमारे चैनल को मिल गया ज्वाइन बटन, जिसके थ्रू आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो, एक पार्ट बन सकते हो फैमिली का, ठीक है? तो सपोर्ट करो। और गाइस हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टिकटॉक पे फॉलो कर लो, और शेटी ब्रदर्स मो पे फॉलो कर लो, जहां पे मैं कभी कभी लाइव आता हूं, और आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट्स मिलेंगे वीडियो के बारे में, जल्दी आओ फॉलो करो। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो का वेट करना, टिल देन स्टे ब्लेस्ड। तू तेरे गाने है कूड़ा कबाड़ा, मेरे बिना ये अधूरा अखाड़ा, तू तेरे जैसे है कितने बाजार में, तू तेरे जैसे को पूरा पछाड़ा, बस एक दो प्रहार में पूरा जबाड़ा, मैं तोड़ू मैं यादों को पूरा जलारा, मैं दो का पहाड़ा हो जैसे मैं लिखूं, मैं एक दिन में दो गुना गाने बना रहा।